सो फाइनली आज कंप्यूटर का सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भाग वन का पहला वीडियो देखने वाले हैं। कल की क्लासेस में हमने छात्र और शिक्षक के टोटल 50 एमसीक्यू देखे थे। आज आपका पार्ट टू वीडियो है। ठीक है, पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, जाइए ज्वाइन कीजिएगा अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, छात्रावास अधीक्षक में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 25 नंबर नहीं लाते तो आपको एग्ज़ाम में OMR सीट चेक नहीं किया जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो लोग छात्रावास अधीक्षक की क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जुड़ जाइएगा। प्लेलिस्ट पर, हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर बिल्कुल फ्री क्लासेस कराई जा रही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, भाग वन वीडियो, ठीक है, एक कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान पार्ट टू है। पार्ट वन वीडियो मैं करा चुका हूँ, पहला क्लासेस हो चुका है। कंप्यूटर वायरस, वायरस का एक उदाहरण होता है जो कि पॉलीमॉर्फिक होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक CDR को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। जो CDR होता है, ठीक है, उसको क्या के नाम में जाना जाता है, तो आपको वर्म होगा। ठीक है, वर्म को CD-ROM के नाम से जाना जाता है। टोटल आज देखेंगे 50 MCQ, जो कि आपके एग्जाम में ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वीडियो को डिसलाइक कर देना। ठीक है, 70% गारंटी के साथ कहता हूँ कि ऐसे एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर एग्जाम में नहीं आता तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन है, एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है। जो एक स्प्रेडशीट होता है उसमें डाटा रो और कॉलम, ठीक है, रो हो और कॉलम में व्यवस्थित होता है। ठीक है, इसके बाद है पर मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम, जो स्वयं की यानी खुद की प्रति बनाता है वो वर्म कहलाता है। ठीक है, वर्म हमेशा एग्जाम में आता है ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। सीडी की भंडारण क्षमता किससे मापते हैं। जो सीडी होता है, सीडी का मतलब होता है कम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, सीडी का मतलब होता है कम्पैक्ट डिस्क। भंडारण क्षमता को मापा जाता है मेगाबाइट से। इसके बाद है कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की किससे कम्बिनेशन से खोला जाता है। तो इसको नोट कीजिएगा, अल्ट कंट्रोल डिलीट। ठीक है, अल्ट कंट्रोल डिलीट, यह आपका प्लस प्लस है। ठीक है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट से आपका मैनेजर को की कोड से खोला जाता है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो। ठीक है, चलिए, ये प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है। जो प्रिंटर की गति होता है, चलिए, प्रिंटर की जो गति होता है किस यूनिट का उपयोग किया जाता है। आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका उदाहरण और इसका आंसर जरूर बताएं। ठीक है, जो प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए, गूगल के डिजिटल पेमेंट के सिस्टम को क्या कहते हैं। जो गूगल होता है डिजिटल पेमेंट, उसके सिस्टम को गूगल वॉलेट बोला जाता है। वॉलेट, एक वॉलेट होता है उसको पेमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है, बिल्कुल, छात्रावास अधीक्षक की क्लास चल रही है हॉस्टल वार्डन के साथ, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्लास रात 8 बजे। ठीक है, और कंप्यूटर की क्लास शाम 5 बजे। डेट मैं आप सभी को बता रहा हूँ, आज आपका 8 नवंबर है, ये सेकंड क्लास है। ठीक है, 7 नवंबर को पहला क्लास हो चुका है, आज आपका 8 है, 8 नवंबर। ठीक है, आज की क्लास सेकंड क्लास कंप्यूटर का, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना 70% है, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल आपको 50 MCQ कराया जा रहा है, 3 महीने का कोर्स है, बिल्कुल फ्री क्लासेस कराई जा रही है। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अपना नाम यहाँ पर लिखिएगा कि हम तैयारी करना चाहते हैं हॉस्टल वार्डन की। ठीक है, तो चलिए, एक ऐसा क्वेश्चन है, देखिए, जो निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर
वैज्ञानिक सूचना के लिए है, तो जो साइरस है, साइरस जो कि वैज्ञानिक की सूचना के लिए है, ठीक है। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है, जो कंप्यूटर माउस है सर, देखिए मैं कल क्लास में पूरा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में करा चुका हूँ, और प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ पूरा आपको हॉस्टल वार्डन की क्लास देखने को मिल जाएगी, ये आपका इनपुट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है देखिए मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो खासकर नहीं है वाला सवाल एग्ज़ाम में आता है, तो सॉफ्टवेयर है करके नहीं आएगा, नहीं है ऐसा सवाल बार बार आ रहा है। तो जो पेज होता है, एक पेज होता है जिसमें मेजर करते हैं, ठीक है, उसको पेज मेजर कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कि वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाइड, क्रिएट, डिटेल करने के लिए अनुमति कहलाती है, क्या कहलाती है, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर दें इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चाहे तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि एडिट, मॉडिफाइड, क्रिएट, डिटेल कर, डिलीट करने की जो अनुमति होती है क्या होगा, आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी या आंसर डी, इन चारों में से ऑप्शन कौन सा होगा आप कमेंट कीजिएगा इसके वीडियो में, ठीक है। चलिए हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा को स्टोर करती है, ये 1.44 होगा, 1.44 MB होगा, ठीक है, जो कि इस डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क को डाटा में स्टोर कर सकती है। इसके बाद है देखिए मैं टोटल आपको 50 MCQ कराने वाला हूँ, ठीक है। उपयोग डेटा के बाद एक अधिक नहीं ली जा सकता, वो CDR होता है, ठीक है, जो CDR है जो एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता, इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार से अधिक नहीं लिखा जा, इसका क्या आंसर आएगा। चलिए माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन क्या होगा, बिंग है, एक जो बिंग होता है माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, ठीक है। इसके बाद विंडो और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर की योग्यता होता है, तो डॉस है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मुख्य अंतर होता है वो आपको मल्टीटास्क कहलाएगा, मल्टीटास्क, ठीक। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा वैध आईपी एड्रेस है, जो आईपी एड्रेस होता है आपका 192 होगा, ठीक है, 192.168, ओके। चलिए इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, तो कंप्यूटर सभी क्षेत्र में अदा करता है, शिक्षा में, विज्ञान में, स्वास्थ्य में, इसका आंसर सभी होगा, ठीक है, क्या आएगा, सभी। इसके बाद है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ये नहीं है, ऐसे एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है, मैं 70% गारंटी देता हूँ नहीं आएगा एग्जाम में, वीडियो को डिसलाइक कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना, वीडियो को डिलीट कर दूंगा मैं, ठीक है। वीडियो आएगा इसका क्या आएगा, विंडोज़, ठीक है। मूविंग पिक्चर यानी कि एक्सपर्ट ग्रुप MPEG का उपयोग निम्नलिखित कंप्रेस के लिए किया जाता है, जो MPEG में कल ही आपको क्लास में कराया जाता था, MPEG का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, MPEG का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, MPEG ये आपका वीडियो के लिए किया जाता है, वीडियो के लिए, ठीक है। और साथ ही IMG किसके लिए किया जाता है, ये आपका इमेज के लिए किया जाता है, ठीक है, इमेज के लिए। चलिए तो एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, PNG किस प्रकार का फाइल है, PNG किस प्रकार का फाइल है, कमेंट करके जल्दी से बताएं। राधा का आंसर आ चुका है, मोहन का आंसर आ चुका है, रवि, किशन, ये देखो बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है PNG का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। और PNG कौन सा फाइल एक्सटेंशन किया जाता है, PNG क्या है, वीडियो है या फिर इमेज है, कमेंट में बताइएगा PNG क्या होता है, जल्दी से बताएं PNG क्या है, PNG क्या है, PNG इमेज होगा या फिर वीडियो होगा, ठीक है, क्या होगा, जल्दी से इन दोनों में से आंसर बताइए, PNG क्या होगा, एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है, 2017 के एग्ज़ाम में आया हुआ है, PNG क्या होता है। चलिए इसका क्या होगा, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय में कंटेंट एवं उसके पलों की जो योजना होती है, स्टोरी होती है, ठीक है, एक स्टोरी बोर्ड होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं कंप्यूटर के सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन सा थ्रेट्स है, ये पार्ट वन, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए, जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है, सभी को मालूम है जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है।
आंतरिक मेमोरी एक यूनिक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? 20। ठीक। चलिए, निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? इंटेलिजेंट टर्मिनल, वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा डॉस। ठीक है, डॉक का एक्सटेंशन में किया जाता है। इसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस और डिस्क है, तीनों सभी आएगा। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये कुछ वजह से ये वीडियो रुक रहा है, कल देखेंगे क्लास में। वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, कल देखेंगे। जो 20 क्वेश्चन आज मैनेज करेंगे और कल 50 क्वेश्चन, यानी कि टोटल कल से 70 क्वेश्चन मैनेज करेंगे। ठीक है, ये कुछ वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, क्लास कल करेंगे, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। आज 20 क्वेश्चन आपका वाईफाई की वजह से कनेक्टिंग नहीं हो पा रहा है।